हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए एक और नई वीडियो। तो आज हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, वैसे हम एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं पर हम कुछ अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। तो देखिए ये महाराजा की मिक्सी, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इसमें देखिए तीनों सिस्टम है, जूसर भी है, मिक्सर भी, ग्राइंडर भी, तीनों सिस्टम आते हैं इस मिक्सी के अंदर। और बाकी देखिए आप 30 मिनट कंटिन्यूस ग्राइंडिंग एंड जूसिंग कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और देखिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है इसके जार में, 450 वाट की इसकी मोटर है और इस पर 2 साल की वारंटी भी आई है। वैसे वारंटी का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वारंटी और गारंटी में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। और देखिए इस पर फूड ग्रेड सेफ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई आपको, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ देखिए आप जूस भी निकाल सकते हैं इसमें, तो मैं आपको अंदर बता दूंगा। बाकी अगर मैं इसके ऊपर करूँ, ये देखिए यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो 4000 रुपए, 4000 रुपए है नहीं है, वो तो लिखी है। तो वो असली प्राइस तो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। बाकी इसका जो वेट है वो है 3 किलो 200 ग्राम। और इसके साथ क्या क्या आता है देखिए, वो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जार वगैरह जो भी सब आता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। सही बताऊँ तो मैं इसको एक बार खोल चुका हूँ, तो कमेंट में कुछ भी गलत बात मत करना। तो मैं दूसरी बार खोल रहा हूँ उसको, और देखिए ये देखिए उसका सामान, इसमें 8 सामान आएंगे। और ये देखिए, तो ये रही हमारी मिक्सी, और ये रहा हमारा बॉक्स। और इसके अंदर देखिए आप देखिए कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए एक निकला है थर्माकोल जो भी साइड में, एक निकला है एक कार्ड जो कि हम दुकानदार से लाए उसका कार्ड है, और एक है ये वारंटी कार्ड। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ निकला है, ये वैसे देखने तो जो लग रहा है ऐसे केक के डिब्बे आते ना, वैसे डिब्बा लग रहा है। और ये मिक्सी, तो मिक्सी को हम बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या निकला है। पहले आप ये देख लीजिए, ये देखिए प्रदीप केवल कंपनी, अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली से आई है, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं, वो भी ऑफलाइन लाए हैं। क्या वो दिल्ली कुछ काम से गए हुए थे, तो देखिए वो लाए, आप देख सकते हैं सदर बाजार दिल्ली, और देखिए पिन कोड भी देखिए वहाँ का, और ये मोबाइल नंबर है। और देखिए मैंने कब खरीदा है, 14/7/2022। मुझे लगता है कि वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए प्रदीप केवल कंपनी, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं आप झूठ समझते हैं कि ये दिल्ली से नहीं आई है, यहीं से खरीद लिया और फिर हमसे झूठ बोल रहा है। तो अब हम इसको खोल देते हैं यार, ये देखिए ऐसा कुछ निकलता है इसके अंदर, 2 निकलेंगे जार, और एक है ये दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, जूसर के लिए, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी देखिए एक ये निकला है और 2 ढक्कन। और पहले मैं आपको जार के बारे में बता देता हूँ, ये देखिए सब पैक हो गया है। ये देखिए एक जार वैसे देखता हूँ, देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, 1.5 लीटर का है अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए ये 1 लीटर और ये 1.5 लीटर काफी बड़ा है, देखिए अंदर। और ये 2 ढक्कन है, ये बड़े का है छोटे का, अगर आप देखें ना तो इस पर देखिए आपको इल्यूजन सा नजर आएगा। ये देखिए मुझे भी आ रहा था थोड़ा सा, लग रहा है कि ढक्कन यहाँ पर पैक है पर वो अंदर पैक है, मुझे भी लगा था शुरुआत में एक दो बार। बाकी ये है प्रेस करने के लिए, मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये है मतलब जो जूस गिरता है ना उसको रोकने के लिए। बाकी एक जार देखिए ये निकला है, इसमें 2 जार आते हैं, 3 जार नहीं आते, ये बात ध्यान रखना। ये है स्टेनलेस स्टील का, वैसे काफी बढ़िया लग रहा है, इसमें शक्ल भी दिख रही है, देखिए नीचे से, नीचे प्लास्टिक ही आती है पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक है। तो अब हम इस मिक्सी को खोल लेते हैं, तो मैं आपको जूस भी निकाल कर दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना, यूज भी करके दिखाऊंगा आपको मतलब कैसे इसको यूज करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए ये प्लास्टिक का ढक्कन, प्लास्टिक का ही लग रहा है, प्लास्टिक का ही है सच्ची। और देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिक्सी कैसी लग रही है देखने। ये देखिए इसमें ये आएगी वायर, वायर वैसे छोटी है पर ये ठीक है। और देखिए ऐसा कुछ सिस्टम इसमें आता है, तो आप यहाँ पर जूस भी निकाल सकते हैं, जूस कैसे निकलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो देखिए मिक्सी कैसे बनेगी वो मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल, इसको आपको खींचना है दम लगाकर। ये देखिए निकल के आ चुका है, ऐसा कुछ होता है जूस निकालने के लिए। बाकी आपको क्या करना है, इसको साइड में करके और इसको उठा देना, ये बन चुकी है देखिए मिक्सी। तो आप इसे कुछ पी सकते हैं, इससे नहीं ये जाल लगाना पड़ेगा, आप जाल नहीं लगाओ। ये देखिए आपको जाल को ऐसे फिट कर देना है, आप चला सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। और इसमें देखिए नीचे देखिए ओवरलोड प्रोटेक्टर आता है ये वाला, और अब हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए अब हमने लगा दिया प्लग को, और देखिए अभी 0 पे है, तो देखिए मैं चला के बताता हूँ। ये देखिए आपको तो दोस्तों आपने देख लिया कि मिक्सी काफ़ी बढ़िया चल रही है, तो अब इस जार को बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप कुछ भी पी सकते हैं इसके अंदर जार, लेकिन एक ही आया है ध्यान रखना, और एक जार आएगा ये जूस के लिए। तो देखिए इसमें आप जूस वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि आम का हो गया तो आप इसमें जूस बना सकते हैं, देखिए काफ़ी बढ़िया वैसे। तो अब मैं आपको जूसर बना के दिखा देता हूँ जूस कैसे निकलेगा इसमें। देखिए तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं इस नई मिक्सी को खोलकर आपको दिखाऊंगा, तो आप कमेंट में बता देना कि आपको अगर खोल के देखनी हो कि इसके अंदर आखिर क्या होता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप कहेंगे ना तो देखिए पूरा खोल के दिखाऊंगा, देखिए यहाँ से ये मोटर साथ में देखिए नीचे से चारों फारों नट सारे के सारे खोल के दिखाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बता देना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही कुछ होगा। तो अब मैं आपको जूसर बना के बता देता हूँ कि इसमें से जूस कैसे निकलेगा। तो मेरे पास टमाटर है तो टमाटर की बनाएंगे फिलहाल। आपको क्या करना है, पहले इसमें ये लगा देनी है, आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ लेके प्रेस करना है, ये देखिए, और उसके बाद आपको यहाँ से लॉक कर देना, ठीक है जी, दोनों तरफ से लॉक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ डालेंगे ना, तो उसके बाद हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा और आराम से जूस निकल जाएगा। और एक है ये वाली चीज़, इससे क्या होता है ना जूस, जैसे कि यहाँ से जूस निकलेगा ना तो क्या उसको रोकेगा, मतलब वो दूर नहीं गिरेगा, वो यहीं पर गिरेगा। अब हम इसके अंदर टमाटर का जूस निकालेंगे, ये छोटा टमाटर मिला हुआ फिलहाल, कुछ और था नहीं यार, सही कह रहा हूँ।
तो प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा। सही बताऊं तो मुझे इसकी एक बात बुरी लगी कि इसमें जार कम है यार, कम से कम एक जार और आना चाहिए था जो कि कम है। अब हम इसको चलाते हैं, तो अब आप गौर से देखना कि क्या होता है। तो देखिए ये पिस चुका है, तो देख टमाटर में देख नीचे देख क्या आया, वो मेरे हाथ में आ गया टमाटर पिसा हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि इसने कितनी जल्दी जूस निकाल दिया, और देखिए जो छिकले वगैरह थे, मतलब बेस्ट टमाटर में कोई छिकला निकलता नहीं है पर थोड़ा बहुत इधर उधर को फेंकती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब 100% तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये देखिए ऐसा कुछ हुआ है और टमाटर देखिए नीचे आ गया, देख कितना मतलब सही जूस निकला यार, मतलब कम निकला वैसे देखा जाए तो, काफ़ी बढ़िया है कोई वो नहीं है, पर जो कि इसमें नमक वगैरह नहीं है तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वैसे काफ़ी बढ़िया पीने में प्योर है। और ये देखिए इसके लिए छिकले वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरते हैं, तो देखिए यहाँ पर बिगड़ चुका है, तो आप इसमें आराम से जूस निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसने जूस आराम से निकाल दिया, और देखिए इतना जूस निकला है, मतलब थोड़ा मैंने पी लिया, पूरा पी लेता हूँ, प्योर कह सकते हैं, पर सही मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि क्या ना इसमें नमक वगैरह नहीं डला, तो बिल्कुल मतलब वैसा लग रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, टमाटर जैसे ही लग रहा है। ठीक है तो आपने देख लिया कैसे जूस निकलता है इसमें, इसमें क्या होता है देख मैं आपको बता दूँ एक बार, पहले मैं जूस को एक बार नीचे डाल लेता हूँ, उसमें पूरा निकाल लेता हूँ, थोड़ा बहुत क्या है नीचे रह जाता है, मैं आपको बता दूँगा कहाँ रह जाता है। इसमें क्या होता है ना, ये छलनी है ना, इसमें से क्या है ये छलनी पीस कर जूस को यहाँ बाहर फेंक देती है, बाहर फेंकने के बाद वो गिरता है इस पर, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना वहाँ पर गिरता है, गिरने के बाद वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद वो यहाँ से निकल के आराम से गिलास में गिरता है। ठीक है और जो छिकले वगैरह होते हैं थोड़े बहुत साइड में वो यहाँ पर गिर जाते हैं, छिकले छिकले आते हैं बस यहाँ पर, और कुछ नहीं आएगा। तो आपने देख लिया होगा कि कैसा कुछ होता है। और दोस्तों आप मेरे हिसाब से इसमें मतलब ऐसी चीज़ों का जूस नहीं निकाल सकते जिसमें कि बीज होते हैं, जैसे कि संतरा, आपको जिस चीज़ का जूस निकालना है उसको आपको बिना बीज के डालना होगा, जैसे कि आपको सेब का जूस निकालना है तो आपको सेब में से बीज निकालेंगे तब डालना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये क्या उन बीजों को क्या मैस कर देगा, मतलब पूरा पीस देगा, तो क्या उसमें कड़वाहट आ जाएगी मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, बाकी आप देख सकते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ऐसी ब्लेड लगी हुई है, अगर इसमें बीज गलेंगे ना तो क्या बीज भी पिस जाएंगे, तो आपको जो भी पीसना वो बिना बीज वाला डालना या बीज निकाल के डालना। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी सबसे मेन चीज यानी कि इसकी प्राइस, तो ये हमें पड़ी है 2200 रुपए की, जो कि हम दिल्ली के सदर बाजार से लेकर आए हैं, और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको अमेजोन पर मिल जाएगी जो कि आपको 2500 रुपए की मिलेगी, मतलब 350 रुपए ज्यादा। ऑफलाइन में आप ट्राई कर सकते हैं, ऑफलाइन हो सकता है कि आपको सस्ती मिल जाए, तो एक बार ट्राई कर लेना, सस्ती मिले तो सस्ती ले लेना, नहीं तो आप ऑनलाइन ले ही सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेना, जैसा आपको सस्ता लगे वैसा आप ले सकते हैं, बाकी मुझे 2200 रुपए की पड़ी है। और सही था तो मैं इसमें 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, 4 रेटिंग इसलिए दूंगा क्योंकि इसमें क्या है 3 जार नहीं निकले, मुझे 3 जार चाहिए थे वैसे देखे जाए तो, मुझे नहीं मम्मी को 3 जार चाहिए थे, समझ रहे हो ना, लेकिन इसमें 2000 निकले हैं, ठीक है 2000 भी वैसे ठीक है पर 2 निकले हैं इसलिए मैं इसको 4 रेटिंग दे रहा हूँ। बाकी अगर प्राइस के ऊपर बात करें तो प्राइस 2200 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2200 रुपए आजकल सिंपल मिक्स ही आती है और जूसर नहीं आता उसमें कभी भी, अगर प्राइस के हिसाब से मैं इसे रेटिंग दूं ना तो 5 में से 5 दूंगा बिना किसी दिक्कत के, बाकी मुझे मिक्सी काफी अच्छी लगी, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, बाकी अगर आपको खरीदनी है तो मैं अमेजोन का लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो वाकई में काफी बढ़िया है, देखिए अगर आप इसे हटा देते हैं तो मतलब इस देखने में बेस्ट काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि क्या ना बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ये देखिए आप नीचे कर सकते हैं आराम से चला सकते हैं, उसकी मोटर भी काफी बढ़िया लग रही है देखने में, चलने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक बार चला के बताता हूँ कि कैसी आवाज आ रही है और कैसी मतलब चल रही है, कितनी स्पीड है, तो देखिए काफी बढ़िया है बिना किसी दिक्कत के चल रही है, और ये फास्ट स्पीड नहीं है इसकी, ये इसकी सबसे फास्ट स्पीड थी जो मैंने अभी आपको बताई है, और काफी बढ़िया लगी मुझे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक बार देखिए ऐसे चला के दिखाता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा चलाने में, ये देखिए कितना मजा आता है, आवाज भी काफी अच्छी आ रही है, मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही है इसलिए मैं चला रहा हूँ, बाकी इससे चलाने का कोई मतलब नहीं है और कुछ मतलब नहीं बनता, हवा काफी अच्छी आ रही है वैसे बस और कोई मतलब नहीं है, ये देखिए मुझे बहुत आवाज आ रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, यहाँ साइड से भी बहुत ज्यादा हवा है, सही कह रहा हूँ, आपको देखने में कैसा लगा था मुझे कमेंट में बता देना, बाकी मुझे देखने में काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आपको इसे ओपन करवाना हो खुलवाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं पूरी खोल दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो कमेंट में बता देना आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।